क्या हो गया? ठीक हो जाएगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज अकेले ही व्लॉग को स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि देवी जी का जो है हर महीने तबीयत खराब हो जाता है। ये देखिए, गुड मॉर्निंग बोल दीजिए। और अभी लेटी में ही है ये, मॉर्निंग से ही सवेरे से ही इनका जो है तबीयत ठीक नहीं है, तो हमने कहा कि आप आराम कीजिए। पूरा देह ही जो है ना गर्म है, पेट दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा है। ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। चलिए अभी थोड़ा चाय नाश्ता वगैरह कर लेते हैं और वीडियो का एडिटिंग करने, और वीडियो का एडिटिंग करके हमने कर दिया अपलोड यहाँ पे मस्त। देवी जी का फ़ोन चार्ज में लगा हुआ था, हटा करके अपना फ़ोन चार्ज में लगा लिए हैं। और थोड़ा अभी मार्केट भी जाना है, देवी जी के लिए कुछ सामान भी लेकर के आना है, उनके लिए मिठाई है, तो मिठाई नहीं खाएंगे। तो क्या खाइएगा फिर? चाय। वही गर्ल्स प्रॉब्लम देवी जी को हो गया है और इनको ना बहुत दर्द होता है, तो बहुत बेकार लगता है, हमें उलझन सा लगता है कि बताइए। चलिए नाश्ता कीजिए, तो पीछे पीछे चाय पीजिए। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है? हाँ, देवी जी की तबीयत ठीक नहीं हो गई है, थोड़ी सी धूप सेकने के लिए और खाना लेने के लिए। यहाँ पे देखिए, हमने वीडियो को अपलोडिंग कर दिया अच्छे तरीके से और टाइटल हमने सब कुछ लगा दिए। 10 बज रहा है, ठीक है, चलिए सही टाइम पे काम हो जाता है, अच्छा लगता है। और आज जो है रील शूट नहीं करना है क्योंकि देवी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। थोड़ा सा तबीयत ठीक है उसके बाद जो रील वगैरह शूट करेंगे, बाकी पुराना रील को अपलोड करते रहेंगे। अभी थोड़ा सा निकल लेंगे, एक होटल वाला मार्केट एक भैया से मिलना है, कुछ बातचीत करना है, वो भी घर से रिलेटेड। दोस्तों देवी जी का तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन एक थड़िया खाना ऐसी बात नहीं दोस्तों, हम दोनों लोग मिलके खाएंगे। हाँ आप खाइए, आप खाइए, आप खाइए, वेरी गुड। ये क्या बोलते हैं इसको, तहरी? खिचड़ी। हमारे यहाँ ऐसा खिचड़ी नहीं होता, हमारे यहाँ गीला गीला होता है, हम लोग सूखा होता है। तो फाइनली अभी हम लोग रेडी हो गए हैं, और देवी जी इधर और दीदी जी, दीदी हेलो बोल दीजिए, और भैया जी हेलो बोल दीजिए, हाय हेलो, मम्मी मम्मी से मिलाओ, मम्मी जी नमस्ते बोल दीजिए, और हेलो 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 मम्मी हेलो। और यहाँ पे हम लोग ट्राइपॉड रख करके वीडियो शूट कर रहे थे, दोपहर का टाइम हो गया था अभी। और ये देखिए भैया जी, हम लोग का वीडियो शूट किए अभी, होली हो गया, 12 बज गया है अभी। कहाँ गिर गया तू, तैयार तो हो गया, तो इतना देर कौन लगाता यार, कहाँ दे ले भाभी, सब लोग आ लगाई बा, बिल्कुल दोस्तों, अभी जा रहे हैं इनके बुआ के यहाँ पे घूमने के लिए, और थोड़ा सा गांव वगैरह भी घुमा देंगे। अकेले नहीं, दुकेले जा रहे, तीन केले जाएंगे, मुझे तो छोड़ के जा रहे हो, तो आप रहो ना यहाँ पे, आपकी तबीयत ठीक नहीं, अभी आराम करो आप, ठीक है? पूरा देखिए वहाँ पे धुआं धुआं उड़ा हुआ है, जोर से ना आंधी आ रहा है, धुआं धुआं नहीं है, चलिए चलिए ठीक है, आज इनके बुआ जी के घर दिखाएंगे आपको। ये देवी जी के बुआ के यहाँ पहुँच गए। बुआ नमस्ते, ठीक है आप? ठीक है भैया, अच्छा ये कौन है छोटू, क्या नाम है, हाथ मिलाओगे? अरे हाँ, काटे ना मुझे, काटो से करते हैं। बहुत अच्छा मौसम, सही में आंधी तूफान चले ना अभी, इसीलिए तो ये सामने छोटा सा घर बना हुआ है, और भी प्यारा लगता है। दो गाय हैं बंधी हुई हैं, फिर हम गांव के देसी लुक में आ गए, वीडियो को शूट कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है, घर की याद आ रही है, घर जाते हैं जल्द से जल्द। सब लोग कमेंट पे कमेंट मार रहे हैं,
मम्मी पापा को भूल गए, घर भूल गए, अपना घर परिवार को भी भूल सकता है क्या? मतलब ससुराल भी घूम नहीं सकते चैन से क्या यार? आप लोग भी कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हो, इतना अच्छा जगह लोकेशन है ना। हम लोग सोच रहे, प्लानिंग कर रहे हैं कि यहीं पे रहे, और वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है ना कि बढ़िया बढ़िया हम लोग को लोकेशन मिले और यहीं पे रह के अच्छा से वीडियो बनाए, ठीक है। मम्मी पापा को भी धीरे धीरे लाने का यहाँ पे प्रयास करेंगे, ठीक है, क्योंकि मम्मी पापा तो गाँव में रहते हैं तो उनकी आदत है गाँव से नहीं निकलने का, घर में ही रहने का, कि हाँ यही चीज़ें हैं। और थोड़ा हम सिटी में घूम चुके हैं, उतर के हम लोग अभी खेतों से आ चुके हैं। और भाभी जी क्या नाम है आपका? सुमन भाभी है। इतना मस्त बिरयानी बने, मज़ा आ गया खा करके। और यहाँ पे देखिए भैया जी को कितना ज़्यादा खा लिए आप, मतलब सबसे ज़्यादा हड्डी नहीं की प्लेट, चिकन लेग पीस। चलिए मज़ा आ गया खा करके। हमने सोचा कि ब्लॉग में बता दिया जाए, अभी सच में मतलब पूरा गांव वाला फील आ गया कि गांव में जैसे बिरयानी बनती है ना उस प्रकार से। नानी के दवा ले और बत्ते में हाल खराब है, बोली बोली कोई दिक्कत नहीं, मिल रही है। एक चीज़ यहाँ का बढ़िया लगता है ना कि छत के ऊपर कमरा होना तो मज़ा आ जाता है। देखिए सामने से हरियाली दिख रही हो, और ये भैया जी का कमरा कितना अच्छा लगता है, ये देखिए मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। और ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है ना, आज तूफान चल रहा है ना उस वजह से। कुछ काम के लिए हम लोग रुके हुए हैं यहाँ पर, वो काम हो जाएगा फिर उसके बाद हम लोग घर निकलेंगे। बिरयानी खाने के बाद आलसी बना रहा है, मन कर रहा है सो जाए, मज़ा आ गया। इधर का नज़ारा देखें आप लोग, ये देखें, ठीक है बुआ आएंगे हमको लेके, ठीक है, तीन चार दिन बाद। चलिए आज के ब्लॉग के लिए इतने, बिहार समस्तीपुर से देख रहे पूरा फुल सपोर्ट, से पूरा पूरा फुल सपोर्ट कीजिए। कुछ कीजिए तब भी लोग कहेंगे, कुछ ना भी कीजिए तब भी लोग कहेंगे, कोई अच्छा चीज़ें बताइए तब भी लोग कहेंगे, कुछ ना भी बताइए तब भी लोग कहेंगे। मैंने एक पीरियड को लेकर के मैंने ब्लॉग बनाया था कि हमारी वाइफ को जो है पीरियड आ गया है, इससे रिलेटेड हमने बनाया था। तो बहुत सारे कमेंट देखने को मिले, बहुत सारे मीम्स देखने को मिले कि भाई इस प्रकार से आप वीडियोस बनाते हो, ऐसा मत बनाइए, है ना। क्या आपके घर में बहू बेटी के साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है? आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, दरअसल जब आपकी बहन या आपकी पत्नी बहुत दर्द से करा रही हो, बहुत दर्द से, ठीक है, और उस दर्द में आपको वो चीज़ें तकलीफ में बताएं, क्या देवी जी गलत बोल रहे हैं, उस दर्द तकलीफ को आपको बताएं, एक मिनट के लिए आप महसूस कीजिए कि आपको वो प्रॉब्लम है, ठीक है ना। वो गर्ल को प्रॉब्लम हो ना किसी माता बहनों को प्रॉब्लम हो, जो खासकर लड़के बहुत कमेंट कर रहे थे, कभी सह पाओगे भाई? सहन शक्ति नहीं है सहने की, आप जो है ना माता बहनें हो जो इनकी जगह ले ही नहीं सकते हो, इतना दर्द में करा हमें, इतना सारा खून, मतलब ये सब देखते हैं ना तो मेरा माइंड ना गर्म एकदम काम करना बंद होता है कि भाई हम लोग के साथ अगर ऐसा होता वो भी हर महीने, तो हम लोग भाई नहीं सह नहीं पाते, हमसे होता ही नहीं। एक तो देखो जन्म देती हैं वो 9 महीना रख करके कोख में, ठीक है, दूसरा इतना हर महीने सहना होता है उनको, इतना हर महीने सहना होता है। तो उससे रिलेटेड मैंने ब्लॉग बनाया था, जो कि बिल्कुल भी कोई बुराई नहीं है, इसमें तो उल्टा लोगों को सपोर्ट करना चाहिए कि सबके साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है। और मैं उस ब्लॉग में इतना बोला था कि सब अपने माता बहनों को ख्याल रखिए, क्योंकि ये सबसे पहला अगर पति हैं तो आप अपनी पत्नी का ख्याल रखिए, भाई हैं तो बहन का ख्याल रखिए, इसमें शर्म की कोई बात नहीं, पिता हैं तो बेटी का ख्याल रखिए, ठीक है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा दर्द होता नहीं, ये रोने लगती है बच्चों की तरह, पैर वैर पटकने लगती हैं, बहुत हमको टेंशन सा हो जाता है जब ऐसा वो चीज़ होता है। तो हमने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। बाकी आप लोग का क्या ओपिनियन है? बाकी सब खैर, बहुत लोग हैं, मेरा तो काम है ब्लॉग बनाना, अपना ब्लॉग बनाते रहते, लाइफ स्टाइल दिखाते रहते हैं। आगे पास के ब्लॉग के लिए बिहार समस्तीपुर से देख रहे से पूरा बगल में स्टाइल जाकर फॉलो कर लीजिए, अपना कीमत निकल के मेरा ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।